हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि Vivo के जो मोबाइल फ़ोन है उसमें आप किस तरह से जो है कि जो कॉल रिकॉर्डिंग होती है उस किस तरह से आप ऑन कर सकते हो। एंड दोस्तों, इसके लिए आपको जो है कि किसी भी ऐप को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। इससे जो है कि आपका जो डाटा है उसका जो है कि जाने का खतरा होता है। तो दोस्तों, इसके लिए हमने एक ट्रिक निकाली है। हम आपके जो है कि Vivo के मोबाइल में V20 मोबाइल है, जो Vivo का Y20A, इसमें हम आपको जो है कि कर दिखाएंगे कि किस तरह से आप जो है कि कॉल रिकॉर्डिंग को ऑटोमेटिक ही जो है कि स्टार्ट हो जाएगी, तो आप उसको जो है कि बाद में जो है कि सुन सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो में जो है कि आपको एंड तक बना रहना है, तभी आपकी जो है कि समझ में आएगी। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट, चलते अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। दोस्तों, हम आ चुके हैं अपनी जो मोबाइल की होम स्क्रीन है उस पर। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको जो है कि आपका जो डायलर पैड है, सिंपली आपको इसी पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने जो डायलर पैड है, जहां से आप फ्रेंड किसी को भी जो है कि कॉल लगाते हो, तो सिंपली आपको उसी पर आ जाना है। एंड आने के बाद फ्रेंड आप देख सकते हो यहां पर फ्रेंड 3 डॉट हैं, तो सिंपली आपको ये 3 डॉट पर क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद आपके सामने 2 ऑप्शन आ जाएंगे। एक है ब्लॉक स्पैम कॉल, यानी कि आप जो भी कॉल है ब्लॉक है या फिर आपने ब्लैक लिस्ट में ऐड की है, आपको उसको यहां पर देख सकते हो कि उसका कॉल आया है या फिर नहीं आया। एंड यहां है फ्रेंड कॉल सेटिंग, तो सिंपली आपको कॉल सेटिंग पर जाना है। एंड जाने के बाद आपके सामने जो है कि काफ़ी ज़्यादा जो है कि यहाँ पर इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, एक ऑप्शन है यहाँ पर रिकॉर्ड सेटिंग, तो सिंपली तो दोस्तों यहाँ पर जैसे ही आप इस जो है कि रिकॉर्ड सेटिंग पर क्लिक करोगे, तो आपके सामने कुछ इस टाइप का जो है कि इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ फ्रेंड फर्स्ट है यहाँ पर डोंट रिकॉर्ड ऑटोमेटिक, यानी कि यह जो है कि ऑटोमेटिक रिकॉर्ड नहीं होगी। एंड फ्रेंड यहाँ सेकंड ऑप्शन है रिकॉर्ड ऑल कॉल्स ऑटोमेटिक। जैसे फ्रेंड आप जो है कि किसी को भी कॉल करोगे या फिर किसी की कॉल आएगी, आप उस पर बात करोगे, फ्रेंड जो है कि ऑटोमेटिक ही जो कॉल है वो रिकॉर्ड होनी चालू हो जाएगी। आपको फ्रेंड किसी को भी जो है कि रिकॉर्ड पर प्रेस नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। फ्रेंड आप जैसे ही कॉल आएगी या फिर आप बात करोगे, तो आपकी जो जितनी भी जो है कि बात है या फिर टॉल्क हैं वो रिकॉर्ड होना चालू हो जाएंगे। एंड उनको आप जो है कि बाद में भी देख सकते हो आपकी जो म्यूजिक सिस्टम है या फिर अपनी जो है कि फाइल पर। तो फ्रेंड यहाँ जो है कि 3rd ऑप्शन है रिकॉर्ड कस्टम कॉल ऑटोमेटिक, तो इसके बारे में हम आपको जो है, तो फ्रेंड जैसे आप जो है कि इस पर क्लिक करोगे 3rd ऑप्शन पर, तो यहाँ एक ऑप्शन आपके सामने ओपन हो चुका है कस्टम। तो जैसे ये ऑप्शन आपके सामने ओपन होगा, सिंपली आपको इसी पर प्रेस करना है। एंड यहाँ फ्रेंड प्लस का आइकन है, सिंपली आपको इसी पर क्लिक करना है। जिस भी फ्रेंड आपको जो है कि फ्रेंड यहां से आप जो है कि किसी भी जो कॉन्टैक्ट नंबर है उसको यानी कि ऐड कर सकते हो। एंड फ्रेंड जैसे ही आप इस पर जो है कि ऐड करोगे यहां पर, तो फ्रेंड जो भी कोई भी कॉल आए इससे, इस नंबर से फ्रेंड जब भी कॉल आएगी, तो आपकी जो रिकॉर्ड है यानी कि रिकॉर्डिंग है वो ऑटोमेटिक ही स्टार्ट हो जाएगी। एंड दोस्तों, आप इससे जो है कि जो 3rd ऑप्शन है, इससे आप जो है कि सिलेक्टेड कॉल पर जो है कि आप रिकॉर्ड यानी कि जो रिकॉर्डिंग है उसको आप सेट कर सकते हो। तो दोस्तों, आप यहां से जो ये अबाउट कॉल रिकॉर्डिंग है, इसके बारे में जो है कि टर्म एंड कंडीशन है, इनको भी आप जो है कि रीड कर सकते हो। एंड दोस्तों, आप इस तरह से जो है कि जो 3 ऑप्शन है हमने आपको इसके बारे में बता दिया, किस तरह से आप जो है कि जो Vivo का Y20A मोबाइल है उसमें आप इजीली जो है कि कॉल रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हो। एंड आप बाद में जो है कि किसी भी जो रिकॉर्डिंग है उसको अपने जो फाइल मैनेजर है उससे जो है कि सुन सकते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच।